नमस्कार, मैं अंजलि पासवान और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली का। आज दिन भर की ताज़ा खबरें। 17 मई 1969 यानी आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़े उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ज्ञानवापी मामले के बीच असीउद्दीन अवैसी ने एक बार फिर महंगाई की और बेरोजगारी के मुद्दे पर कसा तंग। उन्होंने कहा, इस समस्या के लिए पीएम मोदी नहीं औरंगजेब जिम्मेदार है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस बार सर्वे की रिपोर्ट 17 मई यानी मंगलवार को कोर्ट में पूरी पेश होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। सीबीआई ने कांग्रेस नेता कृति चिदंबरम के दफ्तर में आवास समेत कई जगह पे छापे मारे। गुना के पुलिस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी छोटू पठान का एनकाउंटर में ही मौत। असम में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, 20 जिलों में 2,00,000 लोग प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई वनों क्षेत्रों में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मोर्चे पर तैनात कई फायर ब्रिगेड। दिल्ली में गोविंदपुरी इलाके में कच्चर बस में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड, 2 गाड़ियां मौजूद। बिना रजिस्ट्रेशन के आए यात्री नहीं कर पाएंगे चार धाम की यात्रा, ऋषिकेश में रोका जाएगा। 20 मई से जयपुर में भाजपा की बड़ी बैठक, पीएम मोदी नेताओं को करेंगे संबोधित। कुतुब मीनार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज होने वाली थी सुनवाई। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक मॉनसून के केरल पहुंचने तक की उम्मीद। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।